जय जोहार जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, मैं अपने चैनल क्यूट मिस्ट्री फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए होंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हिरवा है, हम लोग हिरवा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में इसे, आप लोग क्या बोलते हैं इसको? ये देखिए मसूर के जैसा होता है, लंबा लंबा, इसको हम लोग हिरवा बोलते हैं। इसको मैं कल साफ की थी, अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा धो देती हूँ इसको, और धोने के बाद ना इसको सुखा लूँगी। ये देखिए, तो इसको धो दूँगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं इसको धो दी हूँ, और धोने के बाद इसको अब सुखाने के लिए धूप में रख देती हूँ। इसमें बहुत जल्दी घुन हो जाता है दोस्तों, इसलिए ना मैं इसको अभी धूप में रख देती हूँ, और धूप में रखने के बाद ना जब ये सूख जाएगा तो इसको थोड़ा सा भूंज लूँगी, उसके बाद मैं रख दूँगी, तो ये अच्छा रहेगा। अभी इसको मैं धूप में रख देती हूँ दोस्तों। कितना ज़्यादा धूप है देखिए, कौन कौन खाए हो इसको बताना दोस्तों ज़रूर। देखिए बहुत तेज धूप है दोस्तों। मैं अभी बना रही हूँ खाना, आज बना रही हूँ सब्जी में छोले और आलू की सब्जी। बहुत दिन बाद छोले की सब्जी बनाई हूँ दोस्तों, मैं बनाई हूँ, बना रही हूँ। छोले को उबाल ली हूँ मैंने कुकर में, आलू भी उबाल के रखी हूँ, तो फिर चलिए बनाते हैं जल्दी से। दोस्तों, रोज़ मेरे चावल में चीटी हो जाता है, देखना मैं कैसे निकालती हूँ इसको। सीधा पानी डाल देती हूँ, देखिएगा। ये देखिए, पानी डालूँगी ना तो पूरा चीटी ऊपर आ जाएगा। धूप में रखने से नहीं निकलता है दोस्तों, और इधर उधर घूमते रहते हैं, और मेरे को तुरंत खाना बनाना रहता है। ये देखिए, छोटा छोटा चीटी होगा ना, ये देखिए यदि ऊपर में आ गया है चीटी। अब इसको ऐसे करूँगी तो दो तीन बार करूँगी तो साफ हो जाएगा। और चीटी था उधर को नहीं की हूँ दोस्तों, तो और ज़्यादा आता चीटी इसमें। ये देख, फिर भी से है, छोटा छोटा चीटी है एकदम। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, सब चीटी निकल गया, इधर साफ हो गया चावल। धो ली दो तीन बार ऐसी धोई थी, फिर दो बार और रगड़ के धोई हूँ दोस्तों, एकदम साफ हो गया चावल। अब मैं इसको बना सकती हूँ। देखिए पानी भी डाल दी हूँ, अब चढ़ा देती हूँ। तो दोस्तों, हर कोई खाना बनाता है, और हर कोई को खाना खाना बहुत पसंद है, अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना, और हर इंसान अपने तरफ से बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करता है। पर आज मैं जो आप लोग को बता रही हूँ छोले और आलू की रेसिपी, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आज तक जितने लोग भी मेरे हाथ से खाए हैं वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा बना है। जिनको पसंद नहीं होता है वो भी पसंद करते हैं कि कैसे बनाई हो करके। पर मैं आज जो बनाती हूँ ऐसा मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मैं कैसे बनाई हूँ। हर किसी का बनाने का थोड़ा मोड़ा अलग ही मतलब तरीका होता है, तो मैं अपने तरीका से जैसे बनाती हूँ आप लोग को दिखा रही हूँ, है ना। अब आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा बना के। तो दोस्तों, मैं इधर बना रही हूँ, आलू को तल रही हूँ, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, आलू को उबाल के काट ली हूँ, और उसको तेल में तल रही हूँ लाल होते तक। ये तला गया, अब इसको निकाल दूँगी। और ये देखिए मसाला तैयार कर रही हूँ, लहसुन टमाटर और ये है प्याज, एक बड़ा वाला प्याज को काट ली हूँ, और डाली हूँ इसमें अदरक घिस के, ये देखिए घिस के डाली हूँ एक इंच अदरक को। अब इसको मैं पीस लूँगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, आलू को तल के निकाल ली हूँ, और इसमें इतना सारा तेल बचा है, और आलू
जो लाल लाल हो गया था वो चिपका हुआ है। अरे इससे कुछ नहीं होगा, अभी मसाला डालूंगी तो उसके साथ ये निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसमें जीरा का तड़का लगा देती हूँ और डाल देती हूँ फिर मसाला को पीस के रखी हूँ उसको। ये देखिए मसाला पीस के रखी हूँ, इसमें डाल दूँगी। पूरा मसाला को डाल रही हूँ दोस्तों पीसी थी उसको, अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और जो साइड साइड में आलू छिलका है ना उसको भी निकल जाएगा वो। मिक्स कर देती हूँ और आँच को थोड़ा कम कर देती हूँ, आँच को कम कर दी। और इसमें ना नमक डाल देती हूँ, हल्दी धनिया मिर्ची और नमक सब कुछ डाल देती हूँ और इसको ढक के पकाऊंगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों सब कुछ डाल दी, अब मिक्स कर देती हूँ अच्छे से इसको। अभी इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डाली हूँ दोस्तों, मसाला पीसी हूँ उसमें भी पानी नहीं डाली थी। ये जो भी है तेल है और टमाटर भी पानी छोड़ता है, प्याज भी, तो देखिए उसी में भून रहा है ये। अब मैं इसको ना ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि पूरा तेल ऊपर आ जाए और अच्छे से भून जाए। दोस्तों अब खोल के देखती हूँ मसाला कैसा है, अब तक तो भुन गया होगा। देखिए तेल ऊपर आ गया है दोस्तों, और देखिए जो नीचे आलू चिपका था ना वो भी निकल गया इसके साथ में। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ मैं, पानी डाल के भूनूंगी दोस्तों थोड़ा सा इसको। देखिए इतना पानी डाली हूँ, अब फिर से इसको भूनूंगी। थोड़ा सा और पानी डालती हूँ दोस्तों, अब ठीक है, अब ढक देती हूँ फिर से। देखिए दोस्तों पूरा तेल ऊपर आ गया है, अब हमारा पूरा मसाला भुन गया है अच्छे से। अब इसमें मैं डाल दूंगी आलू को और छोले को। पहले आलू को डालती हूँ, ये देखिए, अब डालूंगी छोले को। इसमें भी तेल है बहुत सारा दोस्तों, आलू के साथ निकल गया था, इसमें मैं पानी डाल के डालूंगी बाद में। दोस्तों जिसमें आलू रखी थी ना उसी में मैं छोले को डाल ली हूँ। और मेरा सीक्रेट ये है, मैं इसमें ना नमक डालती हूँ और ये जो पानी दिख रहा है ना ये छोले को उबाली हूँ ना वही पानी है, मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। तो चलो डाल देती हूँ दोस्तों। अब इसमें एक्स्ट्रा पानी डालना नहीं पड़ेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है मसाला का। अब इसको उबाल लेती हूँ ढक के, दो मिनट पकाऊंगी फिर इसमें गरम मसाला डालूंगी। आँच को फुल कर देती हूँ। चलिए दोस्तों अब हमारा सब्जी को खोलते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला एक चम्मच, छोले मसाला भी नहीं है दोस्तों, छोले मसाला नहीं डाल रही हूँ, गरम मसाला ही डाल रही हूँ सिंपल सा। देखिए बन गया मेरा सब्जी, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और ढक के रख दूँगी 5 मिनट, इसके बाद इसको खोलूँगी दोस्तों। देखिए कितना सुंदर बना है। ये दोस्तों मैं इसको आप लोग को प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ, कितना
ना अच्छा है। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज का मेरा रेसिपी वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।